वॉर से वापस आने के बाद पैसा और पावर पाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर सिटी की इन्फ्लुएंशियल औरतों को मैनिपुलेट करता है, इन्हें इस तरीके से बर्बाद करके क्या वो बड़ा आदमी बन पाएगा, ये हम आज के हमारे मूवी बेलम में 2012 की एक रोमांटिक ड्रामा में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर जॉर्ज को देख सकते हैं। वो भी अभी जेल से वापस आया क्योंकि उसने रॉबरी की थी। अब सिटी में उसके पास बहुत ही कम पैसे हैं। वो भूखा था और बाहर से लोगों की पार्टी देख रहा था। वो एक्चुअल में रॉबर नहीं है, पहले सोल्जर हुआ करता था, पर पैसों की कमी की वजह से उसे वो काम करना पड़ा था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो अच्छे कपड़े पहनकर वो पार्टी में घुस जाता है। पार्टी में उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था रेचल। रेचल को जॉर्ज पसंद आया था। वो जब उसके पीछे पीछे जा रहा था तभी उसे चार्ल्स दिख जाता है। चार्ल्स जॉर्ज का वॉर का फ्रेंड था। पेरिस में चार्ल्स एक न्यूज़पेपर का एडिटर है। वो बहुत ही रिच हो चुका था। वो जॉर्ज को देखकर पहचान लेता है। जॉर्ज की हालत देखकर उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। जॉर्ज कहता है कि मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, अच्छे पैसे नहीं मिल पाते। चार्ल्स ने कहा कि कल मेरे घर आना, मेरी वाइफ से मिलना, हम अच्छे से डिनर करेंगे। जॉर्ज के पास अच्छे कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे तो चार्ल्स ने उसे पैसे दिए। इसके बाद वो फिर से रेचल से मिला और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली शाम जॉर्ज डिनर के लिए आता है। वहाँ पर वो चार्ल्स की वाइफ मैडलिन से मिला। इनके यहाँ पर मैडलिन की और भी फ्रेंड्स आई थी, इसमें एक का नाम था क्लोटिल्डा। क्लोटिल्डा का हस्बैंड हमेशा घर से दूर रहता है, और एक फ्रेंड थी जिसका नाम था वर्जीनी, न्यूज़पेपर के ओनर की वाइफ थी। डिनर के वक्त वर्जीनी ने कहा कि तुम डेजर्ट्स में थे, क्या वहाँ पर कुछ आवाज़ें आती है? मैंने सुना है कि वो बहुत ही रोमांटिक होती है। जॉर्ज ने कहा कि वो हवा की आवाज़ें होती है, मैं वहाँ पर अकेला था तो मुझे वो हॉरीफाइंग लगती थी। ये सुनकर क्लोटिल कहती है कि वहाँ पर तो बहुत सारी ब्यूटीफुल सी लड़कियाँ होंगी। जॉर्ज ने कहा कि मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था, मुझे हमेशा घर की याद आती रहती थी। इनमें वॉर की बातें स्टार्ट हो गई थी तो क्लोटिल कहती कि ये सब्जेक्ट चेंज कर दो, उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जॉर्ज ने पूछा तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? क्लोटिल ने कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, पर उसे मज़े करने अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जॉर्ज के साथ फ्लर्ट कर रही थी। जॉर्ज के पास जॉब नहीं है, मैडलिन को पता था, उसे एक आइडिया आया कि अपने वॉर की स्टोरीज जॉर्ज लिख सकता है, ये अगर वो पेपर में दे तो उसे एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। ये आइडिया पहले तो उसके हस्बैंड चार्ल्स को अच्छा नहीं लगता, पर मैडलिन जॉर्ज को अच्छा आर्टिकल लिखने में हेल्प करने वाली थी। अगले दिन जॉर्ज और मैडलिन ये दोनों मिलकर आर्टिकल लिख रहे थे। जॉर्ज को लगा कि शायद मैडलिन उसमें इंटरेस्टेड है, उसे देखकर वो हंसने लग गया। मैडलिन ने कहा कि हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं होगा, क्या तुम ये बात समझ सकते हो? जॉर्ज ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ। मैडलिन कहती है तो फिर हम दोनों अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। मैडलिन ने जॉर्ज को सजेस्ट किया कि अगर वो किसी टाइप की रिलेशनशिप चाहता है तो क्लोटिल्ड के पास जाए, वो अकेली है क्योंकि उसका हस्बैंड दूर रहता है। उसने उसे ये भी एडवाइस किया कि उसे पावरफुल लोगों का सर्कल बनाना चाहिए, इससे वो बहुत आगे जाएगा। जॉर्ज ने जाते वक्त मैडलिन को किसी और आदमी के साथ देखा जिसका नाम था वोट्रैक। वो फिर अपना आर्टिकल लेकर न्यूज़पेपर में जाता है। वर्जिनी का हस्बैंड जिसका नाम था मॉन्स्योर न्यूज़पेपर का हेड था। इसने जॉर्ज का आर्टिकल पढ़ा और उसे हायर कर लेता है। अब जॉर्ज बहुत ही खुश था। वो फिर क्लोटिल्ड के पास आया। क्लोटिल्ड की एक छोटी सी बेटी थी जिससे वो बात करने लगता है। उसे भी जॉर्ज बहुत पसंद आया था। ये दोनों खेलने लग गए तो क्लोटिल्ड को बहुत अच्छा लगता है, वो भी इनके साथ खेलने लग गई थी। बाद में क्लोटिल्ड ने जॉर्ज से पूछा कि तुम चाहते क्या हो? जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्लोटिल्ड कहती है कि हम कल मिलते हैं। जॉर्ज चाहता था कि वो आज ही उससे मिले। क्लोटिल्ड को ये बात अच्छी लगी, उसके पास आई। वो ज़रा नर्वस थी और ये दोनों इंटीमेट होने लग गए, तभी वो डर जाती है। क्लोटिल ने कहा कि मेरा इस तरीके से तुम्हारे पास आना ये बहुत ही डेंजरस है, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो मेरा मैरिज टूट जाएगा, मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी, ये वो नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मैं एक घर रेंट करूँगी और वहाँ पर हम दोनों मिल सकते हैं, और इसके लिए वही पे करने वाली थी। तो जॉर्ज को ये बात सही लगती है। अब इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। क्लोटिल ने जॉर्ज से कहा कि कभी भी मुझ पर चीट मत करना, उसे बात अच्छी नहीं लगती। एक रात ये दोनों पार्टी करने के लिए आए। यहाँ पर रेचल ने जॉर्ज को फिर से देखा। जॉर्ज उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। रेचल को इस बात पर गुस्सा आ गया। क्लोटिल जॉर्ज के पास थे, उनके पास आकर वो सब कुछ बता देती है कि जॉर्ज और उसमें अफेयर था। इस बात से क्लोटिल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और वहाँ से जाने लग गए। जॉर्ज कहता है तुम्हारे आने से पहले मैं उसे मिला था, पर क्लोटिल इस बात पर बिलीव नहीं करती। जॉर्ज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, उसे बहुत बुरा लगा। वो रेचल से कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है? रेचल ने कहा कि तुम्हें मुझे सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता।
क्लोटिल के साथ ब्रेकअप के बाद जॉर्ज जरा डिस्टर्ब हो गया था, तो इस वजह से आर्टिकल लिख नहीं पाता। वैसे भी अच्छा आर्टिकल लिखने में उसे मैडलिन ही हेल्प करती थी। उसके कोवर्कर से भी उसने पैसे लिए थे। उसकी हालत देखकर चार्ल्स कहता है, तुम्हें मैंने आर्टिकल लिखने के लिए हायर किया था, हर बार तुम्हें लड़कियां हेल्प नहीं करेंगे। जॉर्ज इस बात से हर्ट हो जाता है और गुस्से गुस्से में आर्टिकल लिखने लग गया। आर्टिकल लिखकर वो चार्ल्स को दिखाता है, तो चार्ल्स ने कहा इससे अच्छा तो काम करने वाले लड़के लिखते हैं। उसका बहुत मजाक उड़ाता है। डायरेक्टली पेपर के हेड मॉन्सियर के पास हो गया, ये आर्टिकल उसे दिखाया और इस वजह से जॉर्ज को फायर कर देते हैं। चार्ल्स के जाने के बाद उसके फ्रेंड उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं मैडलिन का वॉटरिक के साथ अफेयर चल रहा है। मैडलिन के बारे में इस तरीके से बात सुनना ये जॉर्ज को अच्छा नहीं लगता, उस आदमी को डांट देता है। कुछ भी करकर जॉर्ज अपना जॉब पाना चाहता था। वो वर्जिनी को जानता था जो पेपर के हेड की वाइफ है, तो उसके पास हो गया। उसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर गया था। उसे फ्लर्ट करने की वो कोशिश करता है। अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद अगले दिन जॉर्ज का प्रमोशन हो गया था। वो पेपर के गॉसिप कॉलम का हेड बन चुका है। सब लोग ये देखते ही रह गए थे। एक दिन सारे फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी। इसमें क्लोटिल, मैडलिन, वर्जिनी और जॉर्ज भी था। वर्जिनी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेटी थी जो वायलिन प्ले कर रही थी। अचानक से मैडलिन के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी आने लग गई। उसकी बीमारी बहुत ही बढ़ चुकी थी और उसके पास जीने के लिए बहुत ही कम टाइम था। पार्टी में जॉर्ज क्लोटिल के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता है। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। मैडलिन के हस्बैंड की हालत और भी ख़राब हो गई थी। उसकी डेथ के लिए उसे दूर एक जगह पर वो लेकर आती है। वो अकेली थी तो उसने जॉर्ज को भी बुला लिया। जॉर्ज को देखकर चार्ल्स गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं मरने नहीं वाला। आज रात वो बहुत ही पेन में था और उसकी डेथ हो गई। जॉर्ज मैडलिन से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें जो लगे वो ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनना है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता। मैडलिन ने कहा कि मेरे साथ रहना हार्ड है, अगर तुमने मुझ पर चीट किया तो बहुत बुरा होगा। जॉर्ज इस बात के लिए मान जाता है। सिटी में आने के बाद जॉर्ज ने क्लोटिल से कह दिया कि वो शादी करने वाला है। क्लोटिल भी समझ सकती है कि जॉर्ज को कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। अगर वो मैडलिन के साथ शादी करता है तो सेफ रहेगा। बेचारी का सुनकर हार्ट ब्रेक हो गया था। इसके बाद मैडलिन और जॉर्ज ने शादी कर ली। जॉर्ज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैडलिन ही लिखा करती थी, उसे सारी आइडिया वो दे दी थी। इन अच्छे आर्टिकल की वजह से जॉर्ज का प्रमोशन भी होने लग गया। एक दिन जॉर्ज जब घर पर आया तो मैडलिन से मिलने के लिए वॉड्रैक आया हुआ था। वॉड्रैक के जाने के बाद जॉर्ज जब पूछता है तो मैडलिन ने कहा कि वो मेरे फादर की तरह है। वॉड्रैक ने हमेशा मैडलिन का ख्याल रखा है। जॉर्ज ने भी इस बात को जाने दिया। आज न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में मॉन्सियर ने कहा कि सरकार सिर्फ वॉर करना चाहती है और हम इसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को उन्होंने अपने पेपर में एक्सपोज कर दिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। मैडलिन ये सब सुनकर गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल लिखने में लग गई थी। जॉर्ज एक दिन उसके पास आने की कोशिश करता है, पर मैडलिन उसे रिस्पांस नहीं देती क्योंकि आज वॉड्रैक आने वाला था। इस बात से जॉर्ज अपसेट हो गया। उसने उसे कन्फर्ट किया। मैडलिन उसे पूछती है, तुम्हें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, एक तो तुम सरकार गिराकर एक बड़े पावरफुल आदमी बन सकते हो, वरना फूल की तरह तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों से वो बहुत ही अपसेट हो गया था। एक दिन पार्टी में जॉर्ज फिर से क्लोटिल से मिला। दोनों ने एक दूसरे को मिस किया था और फिर से अफेयर अपना स्टार्ट कर देते हैं। पार्टी से दूर जाकर न्यूज़पेपर है और एक आदमी की मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर जॉर्ज भी पहुँच गया। मॉन्सूर कहता है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मेरे सिर्फ वर्ड से मैं पूरी सरकार गिरा सकता हूँ। जॉर्ज ने कहा, पर ये वर्ड्स तुमने नहीं लिखे। इसे मॉन्सूर को बुरा लगा और वो कहता है कि क्या तुम वॉड्रैक और मैडलिन के बारे में जानते हो? तुम जिस घर में रह रहे हो ये वॉड्रैक ने तुम्हें दिया है। मॉन्सूर के इस बात से जॉर्ज और भी ज़्यादा हर्ट हो गया। वो फिर डिसाइड कर लेता है कि वो मॉन्सूर की वाइफ के साथ ही अफेयर करेगा। उसने वर्जिनी को चर्च में फॉलो किया। उसे मिलकर कहता है, मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना था। वो बेचारी डर के, उसने पहले कभी भी अफेयर नहीं किया। उसे मना करती है तो जॉर्ज अपनी गाड़ी में बैठ गया। बाद में वर्जिनी अपना माइंड चेंज कर लेती है उसके पास आके। ये दोनों इंटीमेट हो गए और इनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। एक दिन डिनर टेबल पर हम क्लोटिल्डा, मैडलिन और वर्जिनी को साथ में देख सकते हैं। जॉर्ज इन तीनों को देखकर स्माइल कर रहा था। स्लोली स्लोली वर्जिनी पूरी तरीके से जॉर्ज के प्यार में पड़ गई थी। एक दिन अचानक से वॉड्रैक की डेथ हो जाती है। वॉड्रैक के लॉयर ने मैडलिन और जॉर्ज को बुला लिया। वो उनसे कहता है कि वॉड्रैक ने अपने 1.2 मिलियन ये मैडलिन के नाम पर कर दिया है। ये बात ज़रा अजीब है क्योंकि लोग मैडलिन और वॉड्रैक के बीच में क्या रिलेशनशिप थी इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। जॉर्ज को भी इसका बुरा लगा था
वो कहता है कि मैं ये पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और वो लालची है तो कहता है कि हमें एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वो वाड्रैक के बारे में बहुत ही गलत चीज़ें बोल रहा था तो मैडलिन रोने लग गई। वो कहती कि प्लीज़ उसके बारे में कुछ बोलो मत। जॉर्ज ने कहा कि मुझे सच बताओ कि तुम्हारा था क्या। मैडलिन ने कहा कि मैं उसे प्यार करती थी, उसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। जॉर्ज आज जरा अपसेट था, तो वर्जिनी से नहीं मिलना चाहता था और उसे कहती है मेरे पास एक बात है जो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसने कहा कि हमारी न्यू गवर्नमेंट वॉर पर जाने वाली है। ये एक ही चीज़ थी जो लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट ना करे। प्रीवियस गवर्नमेंट वॉर पर जाने वाली थी, उसी वजह से वो गिर गई थी। वर्जिनी ने कहा कि मेरे हस्बैंड और इस गवर्नमेंट ने मिलकर ये सब प्लान किया था, इससे मेरे हस्बैंड को $70 मिलियन का फायदा होगा। जॉर्ज इस बात से गुस्सा हो जाता है कि उसे फंसाया गया है। वो गुस्से में वर्जिनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहता है कि मुझे तुमसे घिन आती है। वो जब घर पर आया तो मैडलिन, मॉन्सर और उनका एक फ्रेंड ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैडलिन को भी इस सारे प्लान के बारे में पता था। जॉर्ज बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसे भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी देने वाले थे और उसे सारे पैसे चाहिए थे। वो गुस्से में एक गिलास मॉन्सियर को मार कर फेंकता है। मॉन्सियर वहाँ से चला गया। जॉर्ज ने मैडलिन से कहा कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने ऐसा किया क्यों। मैडलिन कहती कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है, क्लॉटिल्ड और वर्जिनी दोनों के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। रात में सेलिब्रेशन के लिए पार्टी चल रही थी, यहाँ पर मैडलिन भी गए। जॉर्ज इन्वाइटेड नहीं था, फिर भी वहाँ पर वो पहुँच जाता है। अब मैडलिन को हम मॉन्सियर के पार्टनर के साथ देख सकते हैं। पार्टी में क्लॉटिल्ड ने जॉर्ज को संभाल लिया। जॉर्ज कहता है तुम्हें इतना हर्ट करता हो, फिर भी तुम मेरे पास क्यों आ जाती हो। क्लॉटिल्ड ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगी, हमेशा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में उसके साथ ही रहती है। जॉर्ज ने अब रियलाइज़ किया था उसे क्लॉटिल्ड के साथ ही रहना चाहिए। क्लॉटिल्ड ने कहा कि जब तुम कुछ भी नहीं थे फिर भी मैं तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। ये दोनों फिर पार्टी में एक साथ वापस आए। मॉन्सियर अपनी बेटी सुजैन को नीचे लेकर आता है। हर कोई आदमी सुजैन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मॉन्सियर के आधे पैसे तो सुजैन को ही मिलेंगे, तो उसका हस्बैंड बनना ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। इसके बारे में क्लॉटिल्ड ने जॉर्ज को बताया। जॉर्ज ने डिसाइड कर लिया कि उसके साथ जो भी हुआ इस सब का बदला लेगा। एक दिन मैडलिन जब किसी और के साथ थी तो जॉर्ज पुलिस को लेकर आता है। मैडलिन के ऊपर एडल्टरी का चार्ज लगा। अब डिवोर्स में जॉर्ज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और मैडलिन के आधे पैसे भी उसके हो जाएंगे। अब बदला बाकी था तो मॉन्सियर से, तो उसके डॉटर से मिलता है। सुजैन को एक होटल में वो लेकर आया और सब लोगों ने उन्हें एक साथ देखा था। उसे हाथ भी नहीं लगा था और सो जाने के लिए कह देता है। अब सब लोगों को लगने लग गया था कि जॉर्ज और सुजैन के बीच में अफेयर है। मॉन्सियर ने डिसाइड किया कि सुजैन और जॉर्ज की शादी कर देगा। वैसे भी जॉर्ज अब पावरफुल बन ही चुका था, उसके डॉटर के लिए सही रहेगा। वर्जिनी को जब इसके बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, कहती कि ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। मॉन्सियर ने कहा कि यही चीज़ होगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम जॉर्ज के प्यार में नहीं होती तो सुजैन भी उसके प्यार में नहीं पड़ती। जॉर्ज के मैरिज के बारे में क्लोटिल्ड को जब पता चला तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। उसे कहती कि तुम बार बार ऐसा कर कैसे सकते हो। जॉर्ज ने कहा कि कभी तुमने गरीबी देखी नहीं, मैं फिर से गरीब नहीं रहना चाहता। मेरे फादर पूरे वीक मेहनत करते थे फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्होंने हमेशा गॉड को प्रे किया था कि मुझे अगली लाइफ बहुत अच्छी देना, पर जॉर्ज बिलीव करता है कि कोई भी नेक्स्ट लाइफ होती नहीं, एक ही लाइफ है और इसी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। वो पैसे और पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता था, तो इस वजह से क्लोटिल्ड को छोड़कर सुजैन के साथ वो शादी कर लेता है। इसे एक हार्श रियलिटी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। सोसाइटी में इस तरीके के बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं और इसी पर एक कमेंट्री थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।